रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम्स करने में बदलाव किए हैं, कुछ वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस किए हैं। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए जितने भी रेंट ट्रांजेक्शन होंगे उस पर चार्जेस भी लेवी करेंगे। तो अभी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव जो है कस्टमर्स के लिए एक बुरी खबर थी, लेकिन फाइनली जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक गुड न्यूज आया है। वो गुड न्यूज ये है कि एचडीएफसी बैंक ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि आईआरसीटीसी के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक ने कई सारे कंपनियों के साथ में टाई अप करके अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जैसे की बात कर ले तो पेटीएम के साथ में उन्होंने अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसके बाद में टाटा कंपनी के साथ में टाटा नियो क्रेडिट कार्ड उन्होंने लॉन्च किया, और अब जाकर फाइनली जो है आईआरसीटीसी के साथ में मिलकर इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, चार्जेस और आपको ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर मेरा ओपिनियन भी जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के इस न्यू क्रेडिट कार्ड जो इन्होंने आईआरसीटीसी के साथ में मिलकर लॉन्च किया है, उस क्रेडिट कार्ड के लुक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्रेडिट कार्ड का लुक। इसको देखने के बाद में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ इमेज में मिसिंग है, यानी हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐड करना रह गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर हम पहले के क्रेडिट कार्ड की बात करें जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईआरसीटी के साथ में मिलकर अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एसबीआई ने अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आईआरसीटीसी के साथ में मिलकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेल का एक आइकॉन बना हुआ है, रेल का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। तो इसमें जो सिंबल दिया गया है ना, वो रेल का नहीं बल्कि विंडो का दिया गया है, यही बस इसमें डिफरेंस है। तो यहां पर कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, बल्कि ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है ना, वो विंडो का सिंबल दिया गया है। तो एचडीएफसी बैंक ने इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं, बहुत सिंपल सा इसका जो डिजाइन है वो रखा है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है इस क्रेडिट कार्ड में। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको इसमें ये मिलेगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, रुपए नेटवर्क के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको पता है कि रुपए नेटवर्क के साथ में जितने भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहे हैं, उन सभी क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई के साथ में लिंक कर सकते हैं और किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो फीचर है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में आ चुका है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए, लिंक दे दूंगा। यहां पर देखिए रुपए नेटवर्क के साथ में ये कार्ड आपको मिलेगा, तो आप आसानी से इसे जो है भीम एप्लीकेशन में जाकर यूपीआई के साथ में लिंक कर पाएंगे और किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें जो कि आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास में क्रेडिट कार्ड आ जाता है और विद इन 30 डेज के अंदर एक ट्रांजेक्शन कर लोगे मिनिमम 500 रुपए का, तो उसके लिए आपको 500 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। इस कार्ड की हेल्प से आप आईआरसीटीसी पर टिकट बुकिंग वगैरह करोगे तो उस पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे प्रति 100 रुपीज स्पेंड करने पर। और इसी के साथ आप स्मार्ट बाई पोर्टल के थ्रू जाकर अगर टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको 5% का इंक्रीमेंटल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर जितने भी आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे उसके ऊपर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस कार्ड पर आपको जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 इयर्स की होती है। उसके अलावा जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उसे आप दोबारा से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर रिडीम करते हैं तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होगी 1 रुपया होगी, लेकिन अदर कहीं साइट पर जाकर रिडीम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू बनेगी 1 रिवॉर्ड पॉइंट की 30 पैसे हो जाएगी। इस कार्ड का एक मेन बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जैसे आप इसके जरिए आईआरसीटीसी पर स्पेंड करोगे तो जो भी आपको फीस लगता है, जो भी आपको चार्जेस लगता है, वो आपको इस कार्ड पर नहीं लगेगा, वो वैवअप हो जाएगा। क्योंकि हम अदर क्रेडिट कार्ड की बात करें जिसके थ्रू अगर आप आईआरसीटीसी पर स्पेंड करते हो तो उस पर आपको 1.8% तक का चार्जेस पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर फीस वैवअप करवाने का भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है 400 से लेकर 5000 के बीच में होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है यहाँ पर फीस वैवअप आप 250 रुपए तक का कर सकते हैं। इस कार्ड पर आपको रेलवे लॉन्च की सुविधा भी मिल जाती है जिसे आप पर क्वार्टर एक बार यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप पर ईयर जो है 4 बार रेलवे लॉन्च एक्सेस का सुविधा भी ले सकते हैं, जिससे फायदा आपको ये मिल जाएगा कि अगर आप रेलवे से ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी अगर हम नॉर्मल फीस की बात करें तो 400 से 500 रुपया है, लेकिन आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड होगा तो इसके जरिए आप फ्री में उस सुविधा को ले पाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल डलवाते हैं तो उस पर आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वैवर भी देखने को मिल जाएगा, बट इसके लिए जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो मिनिमम 400 और मैक्सिमम जो है 5000 के बीच में होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो है आप पर स्टेटमेंट जो है 250 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपको चार्जेस लगेंगे वो वापस होंगे, जो उस पर जीएसटी लगेगा वो वापस नहीं होगा, वो नॉन रिफंडेबल होता है।
इस कार्ड के लेने के लिए आपकी जो एज है 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो मंथली इनकम है 25,000 की होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी जो ITRS 6,00,000 प्लस की होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए होती है, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और भी बहुत सारे मैटर करते हैं जिसके थ्रू आपका क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाता है। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कि इस क्रेडिट कार्ड का फीस कितना है। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपए प्लस GST है, लेकिन ये वेब ऑफ हो जाता है क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको Amazon का 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। उसके अलावा इसका जो रिन्यूअल फीस है सेकंड ईयर से जो आपको पे करना है वो भी 500 रुपए प्लस GST है। लेकिन आप पास्ट ईयर में अगर 1,50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, तो नेक्स्ट ईयर का भी जो चार्जेस है वो वेब ऑफ हो जाएगा। So, ये कुछ फीचर बेनिफिट्स एंड चार्जेस थे HDFC बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड के, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने ओपिनियन की। तो देखिए, अगर आप एक ट्रैवलर हो यानी आप ट्रेन वगैरह से ज्यादा सफर करते हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और लॉन्ग एक्सेस की सुविधा भी मिल रही है। लेकिन आप एक ट्रैवलर नहीं हो तो आपके लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है उतना बेनिफिशियरी नहीं होगा जितने दूसरे क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसके हेल्प से अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हो तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ही स्पेंड करते हो किसी शॉपिंग वेबसाइट पर तो उस पर आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मल्टी ट्रांजेक्शन के लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है फायदेमंद नहीं है। लेकिन आपकी ज्यादा स्पेंडिंग जो है IRCTC भी होती है, ट्रैवलिंग में होती है रेलवे के थ्रू, तो आपके लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है फायदेमंद है। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि और भी लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।